हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ काजल, जायकेदार रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ईजी तरीके से सत्तू के पराठे। आपने तो पराठे कई खाए होंगे, लेकिन ये हम बना रहे हैं सत्तू के पराठे, और बहुत ईजी तरीके से, जो आप घर में बहुत ईजी तरीके से घर के सामान से बना सकते हैं। चलिए तो हम बनाते हैं सत्तू के पराठे। सत्तू का पराठा बनाने के लिए हमने ये आटा गूंथ के रखा है। ये गेहूं का आटा मैंने एक कप ले कर लिया, उसमें मगरेल डाला, करायल जिसको कहते हैं, और नमक डाल के मैंने इसको गूंथ के रख दिया है। और इसको हम ढक के रख देते हैं जब तक हम सत्तू के पराठे के लिए स्टफिंग बनाते हैं। सत्तू की स्टफिंग बनाने के लिए एक बॉल पे मैंने सत्तू लिया है एक कप, उस पर हम एक कप प्याज ऐड करते हैं, सॉरी आधा कप प्याज मैंने ऐड किया है। इस पर हम ऐड कर रहे हैं टेस्ट के हिसाब से अकॉर्डिंग नमक, आप जैसा नमक खाते हैं कम या ज़्यादा वैसा यूज़ करते हैं। हरी मिर्च, और ये है अजवाइन, और ये मैंने तीन पीस अचार लिया है, घर का बना आम का अचार था। इस पर तीन पीस पे अचार पे मैंने दो चम्मच तीन चम्मच पानी ऐड किया है, फिर उसके बाद उसका पूरा पल्प निकाल कर कुटली को बाहर कर दिया। ये पल्प तैयार हो गया है, इसको हम ऐड करते हैं। ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है हमारे सत्तू के पराठे में। और ये हम थोड़ा सा सरसों का तेल ऐड करते हैं, सरसों का तेल बहुत ही अच्छा लगता है हमारे सत्तू के पराठे के लिए। ये बिहारी डिश है, और ये बिहार में ये बहुत पॉपुलर और बहुत अच्छे बहुत बनाया जाता है सत्तू के पराठे को। इसको हम पूरा मैश करते हैं, इसको हम अपने हाथों से मिक्स करते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा बनके तैयार हो गया है। अगर हमारे पास अचार नहीं हो तो हम इस पे अमचूर को भी यूज़ कर सकते हैं, दो चम्मच अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि तेल कम है, मैं इसमें थोड़ा सा तेल डालती हूँ। स्टफिंग ऐसी होना चाहिए जो भरने के बाद भुरभुरी ना हो, और ये बहुत अच्छे से हमारे लोइयों के साथ मिल जाए। इस पे मैं एक टीस्पून और तेल ऐड कर रही हूँ। तेल आप जब बनाएं तो उसको थोड़ा सा हाथों से समझ में आने लगता है कि ये स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है इस तरीके से। या हम अचार के मसाला जो हम डाले थे उसमें थोड़ा सा पानी हम ज़्यादा ऐड कर दें, अगर हमको तेल कम खाना है की इच्छा हो तो। वैसे सरसों के तेल की जो खुशबू आती है सत्तू के पराठे में, वो बहुत ही अच्छी लगती है। ये देखिए हमारी स्टफिंग इस तरह से बढ़िया भुरभुरी ऐसी तैयार होगी। जब हम ऐसे पकड़ते हैं, देखिए लड्डू के तरीके से हमारा बन जाता है। ये मैंने आटे की लोई ले ली है, इसको ऐसे गोल करते हुए कटोरी के हाथों के सारे कटोरी जैसा बनाते हैं, और इस पर हम स्टफिंग भरते हैं। ये देखिए ऐसा बन गया गोल, ये हमारी स्टफिंग। हम इसको इस तरीके से स्टफिंग इस पर, ये हमारा जो बेस सत्तू का स्टफिंग था उसको हम भरते हुए ऐसे दबाते हुए, ये देखिए हमने इसको बंद कर दिया, इसको हाथ से ऐसे चढ़ा। अब इसको हम पत्थर लगा के बेलते हैं। ये देखिए ये हमारा पेट पराठा बेल के तैयार हो गया बनके। ये देखिए कितना बढ़िया बना हुआ है। ये तवा मैंने गरम होने को चढ़ा दिया था, ये तवा गरम हो चुका है बढ़िया। इस पे हम बेला हुआ पराठे को ऐसे डालते हैं। पराठे को हम पलटते हैं इस तरीके से, तेज आंच पे थोड़ा सा सेकेंगे तो पराठे मुलायम बनते हैं, एकदम धीमा कर दें तो पराठे कड़े कड़े से बनते हैं इस तरीके से। और ये हम ये देखिए हमारा पराठा, ये बढ़िया हमारा पराठा फूल चुका है। ये हमारे पराठा बढ़िया अच्छा सिक चुका है।
ये सत्तू के पराठे हम बनकर तैयार हो गए हैं खाने के लिए। आप इसे किसी भी चटनी, जो भी आपको पसंद आए, चोखा, आलू का भरता या जिससे भी आप खाना चाहें वो खा सकते हैं। और यदि हमारे ये देखिए कितना बढ़िया भरा हुआ है, ये देखिए हम तोड़ के भी आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। और यदि पसंद आए हो मेरे सत्तू के पराठे तो आप इस मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय, थैंक यू।